अब सोचो जरा, आपने कोई पार्टी वियर आउटफिट लिया तो आपका प्लान उस आउटफिट को कम से कम 2-3 शादियों और कुछ फंक्शंस में टिकाने का जरूर होगा। मिडिल क्लास में ये सब बातें आम है, लेकिन क्या हो जब कुछ ऐसा ही बिग बॉस के मंच पर हो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या बिग बॉस के मेकर्स भी ऐसा करते हैं? तो बता दें कि फिलहाल जो मामला सामने आया है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बिग बॉस सीजन 15 की ग्रैंड फिनाले की शुरुआत बीते दिन हो गई, जिसका बिग बॉस फैंस को इंतजार था। ग्रैंड फिनाले का पहला दिन सभी के लिए एक्साइटमेंट से भरा रहा, लेकिन एक चीज थी जो लोगों को खटकी और उनके मन में सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद कई लोगों ने बिग बॉस पर भी उंगलियां उठाई। बता दें कि वो वजह थी करण कुंद्रा का आउटफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आउटफिट को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल उठ रहा है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं। गौरतलब है कि करण कुंद्रा के फैंस उनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जाहिर है वो ये भी चाहते हैं कि करण ही बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम करें। लेकिन ग्रैंड फिनाले में करण कुंद्रा जब व्हाइट शर्ट के साथ स्पार्कल ब्लैक टक्सीडो और बो पहने हुए दिखे तो लोगों की एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि करण ने बिल्कुल वैसा ही आउटफिट कैरी किया था जैसा कि अली कोहली ने पिछले सीजन में पहना था। फिर क्या था, करण की ग्रैंड फिनाले की तस्वीर और अली कोहली की तस्वीर को कंपेयर करके देखा जाने लगा, जिसके बाद बिग बॉस पर भी कई सवाल खड़े किए गए। दोनों के आउटफिट पर बात करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि चैनल के पास बजट ही नहीं है, पिछले सीजन के कपड़े रिसाइकल करके करण कुंद्रा को पहना दिए गए। वहीं कुछ का कहना है कि करण भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। इससे पहले श्रीनाथ और विकास ने भी यही आउटफिट पहना था। इस तरह के कई कमेंट्स और मीम्स की सोशल मीडिया पर भरमार लग गई। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।